हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे आज के इस श्रील प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ मुकुंद माला स्तोत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद द्वारा हमें दिए गए सभी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ग्रंथ के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कम महत्वशाली है। हर ग्रंथ चाहे वो कितना भी पतला क्यों ना हो, वो भी महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जैसे छोटा सा ग्रंथ है, प्रहलाद महाराज के विषय में बहुत छोटा सा है, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम आरंभ करें, उससे पहले हम आप लोगों से रिकैप जानना चाहते हैं कि कल हमने क्या सीखा है, कल हमने क्या पढ़ा है। यस, कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं, एक या दो भक्त बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल जो मैंने हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसका मुख्य विषय यही था कि श्री कि वो प्रार्थना करते हैं कि उनका जो मन है वो भगवान के चरण कमलों में सदैव लगा रहे और प्रत्येक भावी जन्म में उनको भगवान का के चरण कमलों का ही आश्रय मिले। श्री कुलशेखर जी ने यही प्रार्थना। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस माधुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल आपने बताया भक्तों को, एक तो गुण बताए थे शुद्ध भक्त के लक्षण, एक बताया था आपने तो शुद्ध भक्त भगवत कृपा का पात्र होता है। राजा कुलशेखर की उसे प्रार्थना से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति के तीन गुण उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते भक्त पर, और जो भक्त नहीं है उसको मृत्यु के समय 100 बिच्छू के काटने के बराबर पीड़ा होती है। तो ये डिस्कस किया था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। एटलीस्ट यस कविता भाटी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी कल आप बता रहे थे कि राजा कुलशेखर जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके चरणों में उनकी हमेशा भक्ति लगी रहे, और कहते आपने बताया कि ईश्वर हमें हमेशा ईश्वर की कृपा पे ही डिपेंड रहना चाहिए, ज्ञान लेकर उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और बाकी आप बता रहे थे भगवान नाशवान नहीं है और बाकी सब जो है नश्वर है, तो हमें हर चीज से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए, उन्हीं के लिए यूज करना चाहिए, उनके लिए किए गए कार्य कभी भी वेस्ट नहीं होते, ऐसा आप बता रहे थे। और ये संसार जो है बंदी ग्रह है, यहाँ से निकलने का हमें जल्दी से जल्दी उपाय करना चाहिए और आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और वहाँ असली आनंद है। यहाँ तो आनंद शाश्वत वो है न, मतलब क्षणिक आनंद है यहाँ पे, ऐसे बता रहे थे। अशाश्वत है, अशाश्वत है जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब कुलशेखर जी कहते हैं कि जब हम इस जगत में मोहग्रस्त के कारण नकली मोल को आनंद देते, भक्त न जन्म न सुंदरी न कुछ भी नहीं चाहते, भगवान बस भगवान की और हेतु की कृपा चाहते हैं। हरे कृष्णा। यस थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, तो कल हमने ये जो मेजर पॉइंट्स थे जो अभी चार भक्तों ने यहाँ पर प्रस्तुत किए, इनके विषय में जाना। आज हम जहाँ हमने कल छोड़ा था, एक शुद्ध भक्त के गुण क्या होते हैं, उससे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ने के लिए हैंड रेस करिए, कौन कौन पढ़ना चाहते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्री चेतन महाप्रभु के महान संगी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रचंड धनी व्यक्ति के पुत्र थे, जिनकी सुंदर पत्नी तथा अन्य सारे ऐश्वर्य थे। जब वे सर्वप्रथम कलकत्ता से लगभग 40 मील दूर स्थित पाणघाट ग्राम में श्री चेतन महाप्रभु से मिले, तो उन्होंने अपने भौतिक संबंध तोड़कर महाप्रभु का सहचर होने की अनुमति मांगी थी।
थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस माधुरी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना और इस प्रकार भौतिक लालसाओं से अभिभूत रहना जीने का सर्वाधिक निंदनीय तरीका है। यह एकदम पशु जीवन जैसा है। जब जीवन निम्न पशु योनियों में जन्म लेता है तो भगवान के साथ अपने संबंध को वह पूरी तरह से भूल जाता है। फलतः वह सदैव खाने सोने भयभीत रहने तथा सम्मोह करने में व्यस्त रहता है। आधुनिक सभ्यता में खाने पीने इत्यादि के लिए आर्थिक सुविधाएं जुटाने के लिए इस तरह के विस्मृतिपूर्ण जीवन को बढ़ावा मिलता है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। नीतू माता जी, एक पैराग्राफ और पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। यहाँ पर भवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जन्म जन्मांतर। जहाँ ज्ञानी जन निर्विशेष ब्रह्म में तदाकार होने के लिए इच्छुक रहते हैं, जिससे वे जन्म मृत्यु की प्रक्रिया को रोक सके, वही शुद्ध भक्त इस जन जन्मांतर की प्रक्रिया से भयभीत नहीं होता। भगवद गीता 4.9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। उसी प्रकार अध्याय 4.5 में भगवान यह भी कहते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं और भगवान को इन उन सब का स्मरण है, किंतु अर्जुन को उसका स्मरण नहीं है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। यस, तो कल हमने पढ़ा कि एक भक्त के, शुद्ध भक्त के गुण क्या होते हैं। कल के ये पॉइंट्स जहां हमने लिए थे और ये कहा था कि हम आज फिर से इन पॉइंट्स को चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि यहाँ राजा कुलशेखर जिस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं अपनी प्रेयर्स में, वो प्रेयर्स कौन से भक्तों की बात कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं कौन से भक्तों की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त भगवत कृपा का पात्र होता है, वो इस जगत की वास्तविकता से परिचित होता है, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। वो कठिनाइयों से विचलित नहीं होता बल्कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे उथल पुथल हैं, इनको भक्त भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेता है। अब हम ये देखते हैं कि जब वो भगवान की कृपा हर चीज को मानता है तो जो भक्ति है ना, वो भक्ति कहाँ होती है? वो शरीर के स्तर पर भक्ति करता है कि मन के स्तर पर भक्ति करता है, यह हृदय के स्तर पर भक्ति करता है, कहाँ करता है? तो भक्ति शुद्ध भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है। ऊपर से भले ही देखने में उसे किसी को ये लगे कि ये भक्त नहीं हो सकता है, लेकिन वो अंदर से कितना बड़ा भक्त होगा, ये उसके आचरण में प्रकट होता है, उसके व्यवहार में प्रकट होता है। वो आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति निष्ठावान होता है। आध्यात्मिक साक्षात्कार जो सेल्फ रियलाइजेशन है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, पर मैं इस जगत में क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के मुख्य विषय हैं। तो वो इस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत परिश्रम करता है, निष्ठा से भगवान की सेवा करता है और इन प्रश्नों का उत्तर जानने के प्रयास करता है। और इसके लिए उसे भगवान की कृपा चाहिए होती है, क्योंकि जब वो गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु का जो आशीर्वाद है वो बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। भगवान की कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा होती है तो भगवान को जानते हैं। तो भगवान की कृपा का आकांक्षी होता है वो व्यक्ति, वो जीव। भगवान की सच्ची भक्ति करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, उसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। वो भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत से विलग होता है। भगवान की सच्ची भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, यही उसके जीवन का उद्देश्य है, दूसरा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। सांसारिक माया मोह उसके चारों तरफ है लेकिन वो उनमें अपने आप को संलग्न नहीं पा रहा है। और उसकी चिंता क्या है? उसकी चिंता होती है कि वो चरम उद्देश्य को कभी ना भूले। चरम उद्देश्य क्या है? बैक होम, बैक टू गॉड हेड।
भगवत धाम वापस जाना, भगवत धाम वापस जाने के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहता है, उसके लिए जो कुछ भी करना हो वो करने के लिए तत्पर रहता है। कोई वरिष्ठ भक्त या गुरु वृंद उसको कहते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करने के लिए कभी वो ना शब्द उसके जीवा पर आता ही नहीं है। और चूंकि वो भगवान को कभी नहीं भूलने के लिए प्रयासरत रहता है तो भगवान के चरण कमलों में ही अपना आश्रय ढूंढता है, भगवान के चरण कमलों के अलावा कहीं आश्रय नहीं है उसके लिए, और भौतिक लालसाओं से मुक्त रहता है, भौतिक लालसाएं नहीं होती हैं। एक बार एक प्रसंग यहाँ पर मेंशन करूंगा कि एक बार ये संत एकनाथ के पास एक भक्त आया। भक्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भक्त बाद में हुआ, पहले भक्त नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति आया वहां पर और व्यक्ति ने आकर ये कहा, संत एकनाथ तो महान संत हैं, तो उसने कहा कि आप इतनी भक्ति कैसे कर लेते हैं, मुझसे तो भक्ति होती नहीं है, और भक्ति भक्ति छोड़ो क्या रखा है इसमें, मैंने देखो इतने जीवन जो है एंजॉय किए हैं अभी तक, तो आप भी एंजॉय करो, क्यों भक्ति के इस कष्ट को झेलते हो। तो संत एकनाथ ने कहा अरे ये सब बात छोड़ो, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूं, मैं तुम्हारा मस्तक पढ़ सकता हूं, तुम्हारा भवितव्य पढ़ सकता हूं, आगे क्या होने वाला है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम क्या बात करते हो, ये तुम जाओ अपनी मृत्यु की तैयारी करो। ज्यों ही उन्होंने ये बात कही वो व्यक्ति एकदम घबरा गया, तुरंत अपने घर की ओर भागा और उसने तमाम सारा अपना FD निकाला, बैंक अकाउंट निकाले, बिजनेस का सब अकाउंट निकाला और सबको सौंप दिया, ये लो अब तुम्हारा, ये लो तुम्हारा, ये लो तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं है, अब तो मैं 7 दिनों में मरने वाला हूं। घर वालों को सबको आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है। तो वो लगातार 7 दिन तक अपनी व्यवस्थाओं में लगा रहा, ये सोचता रहा अब मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं भगवान का ध्यान करूंगा। और जब 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उसके बाद उसने जब अपनी सारी चीजें निपटा ली, सारे बिल पेपर तैयार कर दिए, वसीयत तैयार कर दी, उसके बाद वो भगवान की भक्ति में लग गया। वो कोशिश करने लगा कि मैं अपने मन को भगवान पर एकाग्र करूं। जब 6 दिन निकल गए तो संत एकनाथ खुद उसके घर चलकर आए और पूछते हैं कैसे हो। तो कहते हैं आप पूछते हो कैसे हो, मेरे तो बस 1 ही दिन रह गया अभी, मेरी तो मृत्यु नजदीक है, आपने मुझे कहा था। तो संत एकनाथ पूछते हैं अभी क्या कर रहे हो, बोले भगवान का भजन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो बोले बाकी सब जो पहले करते थे, बोले वो सब छोड़ दिया है मैं, अब मैं सिर्फ भगवान का भजन कर रहा हूं। तो क्यों भगवान का भजन कर रहे हो, संत एकनाथ ने जब उनसे पूछा तो उसने कहा कि कल मेरी मृत्यु है, आपने मुझे बताया है और आपकी बात जो असत्य नहीं हो सकती है। तो संत एकनाथ कहते हैं ये मेरी बात असत्य है, क्यों, मैंने तुम्हें ये झूठ बोला कि तुम्हारी कल मृत्यु होने वाली है ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारी मृत्यु आज ही होने वाली है या कल ही होने वाली है, हमें हमेशा भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करके रखना चाहिए। यदि हम इस बात को भूल जाएंगे कि भगवान कुछ है और भगवान का अस्तित्व कुछ है और मेरी मृत्यु जो है वो अवश्यम्भावी है, तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। यदि हम समझेंगे मेरी मृत्यु होने ही वाली नहीं है, जैसे कि हिरण्यकश्यपु सोच रहे हैं, तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप उसी तरह से अपना जीवन जो है व्यर्थ करते रहोगे जैसे इस व्यक्ति ने किया जो संत एकनाथ के पास आया। तो मृत्यु का आभास होना, एक भक्त के लिए मृत्यु का आभास होना भगवत धाम जाना है, लेकिन जो दूसरा अभक्त है उसके लिए मृत्यु का आभास होना क्या है, 100 बिच्छुओं के काटने के दंश जैसा है, उसमें उतना दर्द होता है। तो इसलिए हमें भक्ति के मार्ग पर, हमें ये राजा कुलशेखर क्या सिखा रहे हैं, राजा कुलशेखर सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े हमें वो करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो संत एकनाथ ने जो उस व्यक्ति को ये ज्ञान दिया, वो ज्ञान हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो भौतिक लालसाओं से वो मुक्त हो जाता है, जैसे उस व्यक्ति ने सारा कुछ अपना FD ये वो बिजनेस सब कुछ सौंप दिया परिवार वालों को, चलो जाओ अब मेरा
सात दिन में मृत्यु होने वाली है। और भगवान के चरण कमलों में अपना आश्रय ढूंढने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा, ये स्थिति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। हमें ये सोचना चाहिए कि कल ही ऐसा हो जाएगा, हम हमारे पास आज ही का अंतिम दिन है, कल का दिन है ही नहीं। इसलिए शुद्ध भक्त जो होता है वो क्या करता है, पशु जीवन को निंदनीय समझता है। पशु जीवन है, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो पशु जीवन है, एनिमल लाइफ यू आर लिविंग। आपका जीवन उस जानवर की तरह से है जिसको कुछ पता ही नहीं है। भक्त जानता है कि पशु जीवन भगवान से विलग होने का जीवन है। अगर आप पशु जीवन जी रहे हैं तो आप भगवान के निकट हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये बहुत ही जो फेमस प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग बार बार मेंशन करते हैं, आप सबको पता ही है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतत पशु भी नराणाम। ये सामान्य सी बात है पशुओं के लिए, और नरों में भी है, तो जो नर है वो भी पशु के समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। एक धर्म ही है जो पशु को और मनुष्य को अलग करता है। पशु में वो धर्म नहीं है और मनुष्य में वो धर्म है। तो आहार निद्रा भय और मैथुन, ये मनुष्य और पशु में समान परिस्थितियां हैं, लेकिन जो मनुष्य है उसमें विशेष केवल धर्म है। अन्यथा अगर धर्म नहीं है तो व्यक्ति में या मतलब जीव में और इसमें पशु में कोई अंतर नहीं है, अंतर रहित है, एक जैसे हैं। इसलिए शुद्ध भक्त ये जानता है कि पशु जीवन हमें नहीं जीना है, और उसके लिए वो तमाम सारे प्रयास करता है। भक्ति की दैवी चेतना को समाप्त करने के लिए लिखा है यहां पर कि माया के एजेंट कार्यरत रहते हैं, माया ने अपने एजेंट लगा रखे हैं, होर्डिंग्स लगा रखे हैं जगह जगह पर, आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास ये स्कीम है, हम आपको भगवान के पास भेज देंगे, हम आपको भगवान बना देंगे, हम आपको इतने दिनों में ऐसी शक्ति दे देंगे। लेकिन सचेत भक्त ऐसे किसी भी प्रलोभन में नहीं आता है, वो ऐसे किसी भी लालच में नहीं आता है, और क्या करता है, वो भगवान के चरण कमल पकड़े रहता है। तो यहाँ मछली का उदाहरण हमने मेंशन किया है, जैसा कि व्याकिराता माता जी ने कई बार उस मछली के उदाहरण को दिया है। कोई भक्त बता सकता है कौन सा मछली का उदाहरण है वो, हैंड रेज करिए। हम अपने ही क्लास का नहीं, दूसरे क्लास का भी आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए यस बिजू माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। जयती माता जी ने ये बताया था कि जो एक छोटी मछली थी नदी में, वो मछुआरे के पैरों के नीचे ही रहती थी, क्योंकि जो बड़ी मछलियों को वो जाल में पकड़ लेता था, पर वो उसके पैरों में रहती थी, इसलिए उसके जाल में वो फंसती नहीं थी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो ये जो मछली का उदाहरण है, ये ही भक्त है। तो भक्त जो है भगवान के चरण कमल को पकड़ के रहता है, छोड़ता नहीं है उसके लिए। वो छोटी मछली की तरह भगवान के पैरों के चारों तरफ, चरण कमलों के चारों तरफ घूमता रहता है, तो कोई भी माया उस पर प्रभाव नहीं दिखा सकती। माया कौन सी है, वो जो मछुआरे का जाल है वही माया है। एजेंट जो अभी हमने बताया कि एजेंट कार्यरत रहते हैं, तो वो एजेंट जो है वो जाल है, पकड़ने की कोशिश करता है, लाओ इसे पकड़ कर, लाओ इसे पकड़ कर। लेकिन जीव का मूल स्वरूप क्या है, अविनाशी है। वो कभी नाश होने वाला नहीं है, शरीर नाश हो जाता है। तो भगवान का स्मरण करना और उनकी सेवा करने की इच्छा ही इस आत्मा के आध्यात्मिक गुण है। भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए और भगवान का स्मरण होना चाहिए, यही आपकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा कुछ है तो वो सब भौतिक है, और भौतिक जो है वो हमें भगवान के पास नहीं ले जा सकता। भौतिक हमें, भौतिक आकर्षण हमें भगवान से दूर रखते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त असली भागवत प्रेम को, भगवत प्रेम को भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम में परिणित नहीं होने देता। वो भगवान का प्रेम अलग रखता है, भौतिक प्रेम को अलग रखता है, किनारे कर देता है। नहीं, भौतिक प्रेम मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, शुद्ध भक्त भगवत प्रेम के लिए वरीयता देता है, प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है। और उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो किस तरह से भगवान की भक्ति कर सके। तो राजा कुलशेखर की ये जो प्रेयर्स हैं श्लोक संख्या 3 में, खास तौर से अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह एक शुद्ध भक्त के लक्षणों को यहाँ
राजा कुलशेखर बयान करते हैं। और अगर ये लक्षण हम सब के अंदर आ जाएं तो हम भी उसी श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन ये जो भौतिक आकर्षण है ना, माया के जो एजेंट हैं, वो हमने अच्छी तरह पकड़ कर रखे हुए, हमें छोड़ नहीं रहे। वो माया के एजेंटों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। इसलिए यहाँ अभी ये जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, इसको हमें समझना चाहिए। संबंध विधेय और प्रयोजन, आपने कई बार सुना होगा, भक्ति शास्त्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा होगा। लेकिन एक बार फिर से मैं थोड़े से ब्रीफ डिटेल में इसको समझा देता हूं कि संबंध अविधेय और प्रयोजन क्या होते हैं। ये भगवान के साथ हमारा संबंध और अविधेय और प्रयोजन क्या है, तो वैदिक साहित्य जीवात्मा के कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के बारे में हमें जानकारी देता है। हम जो जीव हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसको समझना ही ये कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को समझना है। अब जीवात्मा द्वारा इस संबंध को समझना और उसके अनुसार कार्य करना, ये अभिधेय है, संबंध और अभिधेय। और बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जाना, भगवान के पास वापस लौटना, भगवान के गोलोक धाम में वापस जाना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसे प्रयोजन कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप इसको जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ये एक टेक्निकल शब्दावली के साथ इसको समझना ये महत्वपूर्ण है। तो संबंध क्या है, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध क्या है, इसको जानना। अविधेय क्या है, कि उस संबंध के अनुसार कार्य करना। हमारा संबंध क्या है, हमारा संबंध अगर दास का है, सखा का है, प्रियतम या प्रेयसी का है, उस संबंध के अनुसार कार्य करना, वो अविधेय कहलाता है। और फिर उस संबंध की लता को पकड़कर भगवत धाम वापस जाना, वो प्रयोजन होता है। तो भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति सेवा या इंद्रिय क्रिया को अविधेय की कहा जाता है। मतलब जब हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है, तो हम जो क्रिया करते हैं भगवान से जुड़े रहने के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए, वो अभिधेय है। क्योंकि ये भगवान के प्रति व्यक्ति के मूल प्रेम को विकसित कर सकता है, ओरिजिनल प्रेम जो हमारे पास पहले से था। माँ के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ था, भगवान के प्रति प्रेम हमारे अंदर था, लेकिन इस भौतिक जगत के एजेंटों ने उसे हमें भुला दिया है। और यही जीवन का लक्ष्य है कि हम उस प्रेम को विकसित करें। ये लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित और सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्रकार ये जो व्यक्ति है या जो जीव है, भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का स्तर प्राप्त कर सकता है। और कोई तरीका नहीं है, आप भगवान के प्रति प्रेम कहीं से खरीद कर नहीं ला सकते। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में इसका उल्लेख हुआ है कि जब कोई कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध का दिव्य आनंद प्राप्त करता है, दिव्य आनंद, कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित हो गया और जब दिव्य आनंद हमें प्राप्त होता है, तो वो उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावना अमृत के मधुर आनंद का स्वाद लेता है। ये स्वाद किसी भी जलेबी और इमरती और रसगुल्ले और गुलाब जामुन के स्वाद से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो सब भौतिक स्वाद है और ये आध्यात्मिक स्वाद है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। उसकी मधुरता हम अपने हृदय में महसूस करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक व्याख्यान में, जो मैंने यहां पर कोट किया आपके लिए, कि संपूर्ण वेद तीन अवस्थाओं में विभाजित हैं। पहला संबंध, ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, इसे संबंध कहते हैं। और फिर अभिधेय, उस संबंध के अनुसार हमें कार्य करना है, इसे अभिधेय कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। और हम कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जीवन का लक्ष्य मिला है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हमें है। और उस तो जीवन का लक्ष्य क्या होता है, जीवन का लक्ष्य है कि घर वापस जाना, भगवान के घर वापस जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत आसान सी भाषा में, आसान से शब्दों में इस ग्रंथि को सॉल्व कर देते हैं। तो बताया गया है कि वेदांत सूत्र में चार अध्याय हैं। पहले दो अध्याय क्या है, जीवात्मा और भगवान के संबंध की चर्चा करना। हम जीवात्माओं और भगवान के साथ हमारे संबंध की चर्चा होती है वहां पर, इसे संबंध ज्ञान या संबंध का ज्ञान कहते हैं। तीसरे अध्याय में बताया गया कि व्यक्ति भगवान के साथ संबंध में रहकर किस प्रकार कार्य कर सकता है, जो अभी हमने अविधेय के बारे में पढ़ा। आपको तीन अलग अलग स्लाइडों में अलग अलग माध्यम से मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है समझाने का प्रयास किया है। और अगले क्लास में इसी को हम
रिकैप के रूप में आपसे जानना चाहेंगे, इसके अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो जीवात्मा और भगवान के संबंध का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार दिया है, वो क्या कहते हैं, जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेरे नित्य दास। जीवात्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है, अतः ये संबंध जानते हुए व्यक्ति को साधना भक्ति या भगवान की सेवा के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और यही अभिधेय है। और चौथे अध्याय में ऐसी भक्ति सेवा या प्रयोजन के परिणाम का वर्णन किया गया है। जीवन का यह अंतिम लक्ष्य क्या है, घर वापस जाना, भगवान के पास वापस जाना, और कहीं भगवत धाम ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ अवर लाइफ शुड बी भगवत धाम, वो लोग धाम वृंदावन, और कुछ नहीं। इस तरह से ये जो संबंध, अविधेय और प्रयोजन, ये अगर तीन चीजों का हम समझ लेंगे तो हमारी भक्ति जो है ना स्थिर हो जाएगी, वो डगमगाएगी नहीं। भौतिक शक्तियों के एजेंट जो है हमें परेशान नहीं करेंगे, हम स्थिर हो जाएंगे। और जब स्थिर हो जाएंगे तो यहां पर जैसे कि उल्लेख किया गया है, ये भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्त्वा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान का जैसे जन्म और कर्म दिव्य है, उसी तरह से भक्त भी उस दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। भक्त में कोई दोष नहीं है, लेकिन दोष जो भौतिक जगत से, भौतिक आसक्ति से, भौतिक कारणों से जो दोष आ गए हैं, उनको दूर करेगा तो वो दिव्यता को प्राप्त हो सकता है। भगवान के जितना अगर वो दिव्य नहीं हो पाएगा तो कम से कम कुछ अंश तो उसे प्राप्त हो जाएगा, और कुछ अंश प्राप्त हो जाएगा तो इस भौतिक जगत में उसके लिए वही पर्याप्त है। और जो दूसरा श्लोक यहां पर मेंशन किया गया कि 4.5 का, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चा अर्जुन ताने हम वेद सर्वाणी न त्वम वेद वेत्थ परंतप। तो तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, किंतु हे परंतप तुमने भूल चुके हो जबकि मुझे उन सबका स्मरण है। तो भक्त को क्या करना है, भक्त को अपने इस वर्तमान जीवन को जो अभी उसे मिला हुआ है उसमें भगवान की भक्ति करके वो स्थिति प्राप्त करनी है जिससे कि वो कुछ भूले नहीं। और कुछ भूलने का अर्थ है यहां पर भगवान को भूलना। अगर वो भगवान को भूल गया है तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि उसे भगवान याद है तो उसे सब कुछ प्राप्त होगा। तो कृष्ण मैं कौन हूं और मेरा शाश्वत कर्तव्य क्या है, ये हमें जानना चाहिए। कृष्ण का शाश्वत सेवक बने रहना ही हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है। इसीलिए कहा गया जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। तो हम अगर भक्ति के आकांक्षी हैं, भक्ति के उच्चतम स्तर के आकांक्षी हैं, हम उसकी डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं, तो हमें अपने मन में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र नियंत्रक हैं और कृष्ण ही मेरे परम भोक्ता हैं और कोई नहीं है। मैं तो भोक्ता हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं ना नियंत्रक हूं ना मैं भोक्ता हूं। और इस भौतिक जगत में रहते हुए तमाम सारी चुनौतियों का सामना करते हुए मुझे इस भक्ति का अभ्यास करना है। इसलिए ना मैं करता हूं, मैं केवल इच्छा कर सकता हूं, और मेरी सारी इच्छाएं भगवान पूरी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसके लिए इस अवस्था में क्या अच्छा है। एक बहुत ही योग्य पिता के रूप में भगवान अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एक महत्वाकांक्षी भक्त के रूप में, एक एस्पायरिंग भक्त के रूप में मुझे अपनी इच्छाओं के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। इच्छाएं ऐसी ना करें कि भगवान हमें रिजेक्ट कर दें, इच्छाएं ऐसी करें कि भगवान हमें स्वीकार करें। हमें प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, उनको उनके विषय में जो गुरुओं से और ज्ञान प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो प्रयास होगा तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम किस तरह से इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरी यात्रा एक ऐसे बच्चे की तरह है जो चलना सीख रहा है। हम सब ने अपने घरों में बच्चों को चलना सीखा होगा, देखा होगा,
चलते हुए सीखना। बच्चा कोशिश करता है, पहले पलटी मारने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे करके दो हाथ उठाकर अपना सहारा थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर वो टांग का भी सहारा लेता है, उसको भी जमीन पर टिकाता है और फिर उठने की कोशिश करता है, लड़खड़ाता है, गिर जाता है, कभी कभी चोट भी लगती है, लेकिन बच्चा अपना उत्साह छोड़ता नहीं है। कोई बच्चा आपने ऐसा देखा है जो सोच ले अब मुझे तो उठना नहीं है, मैं गिरता हूं बार बार और मेरे लिए ये चीज ही नहीं है, हाँ? लेकिन उसका दृढ़ निश्चय कभी भी छोटा नहीं होता, वो बोल नहीं पाता है उस समय, लेकिन उसका व्यवहार आपको सिखाता है, चलना सीखने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। ऐसे ही भक्त होना चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी है। कितनी भी बार गिर जाए, कितनी भी बार उस पर दूसरे लोग दोष लगाएं, कुछ भी कहें, लेकिन उसे उनका कोई भी ख्याल नहीं करना है। जैसे वो बच्चा आपसे शिकायत करने कभी नहीं आता है, मम्मा मैं नहीं करूंगा, अब मैं मुझे चोट लगी है, मैं नहीं उठूंगा, आप दोबारा पड़ा रहूंगा ऐसे जब तक तुम नहीं उठाओगे, नहीं, वो अपना प्रयास छोड़ता नहीं कभी। उसके माता पिता उसकी मदद करने के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन कई बार उसे करने देते हैं, लेट हिम डू हिमसेल्फ, उसे कर लेने दो। और भगवान भी वही है, भगवान हमें करने का पूरा साधन देते हैं और देखते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे को भी भरोसा होता है कि अगर मैं गिर जाऊंगा तो माता पिता तुरंत पकड़ लेंगे, ऐसे भक्त को भी भरोसा होता है कि अगर वो पतित हो जाएगा तो भगवान तुरंत उसे पतित होने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे। फिर भी ये जो जीवन है, ये जीवन इतना दुष्कर है कि वो हमें भटकाने के लिए तुरंत तैयार रहता है। हमें जरा सी भी असफलता मिलती है हम छोड़ देते हैं, नहीं नहीं कुछ होने वाला नहीं, सोले माला से जाने दो, इतना टाइम मेरा वेस्ट होता है, इतनी देर में मैं कुछ और कर सकता हूं। तो ये सही नहीं है, ये माया के एजेंट ही हैं जो आपको बार बार वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में ये जो माता पिता है या इस आध्यात्मिक जगत में जो भगवान है, वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना सह सकते हैं, कितनी सहन शक्ति है हमारे अंदर। लेकिन वे हमेशा बच्चे की रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं, इसी तरह भगवान भी हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं है, भगवान ने हमें बचाया नहीं। बड़ा होने पर बच्चा जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसको अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि हाँ तुमने ही मुझे चलना सिखाया, तुमने ही मुझे उठना सिखाया, तुमने ही मुझे गिरकर उठना सिखाया। हाँ, तो भगवान के प्रति ये आभार व्यक्त करना एक भक्त का कर्तव्य है। तो भगवान और भक्त के बीच में ये जो संबंध है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं कि संबंध अविधेय और जो प्रयोजन है, ये संबंध कितना मधुर है, कितना आकर्षक है, हमें उसको समझने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। और अगर कोई विलंब है तो वो विलंब हमारे जीवन के उद्देश्य को विफल कर रहा है। हमारे जीवन का उद्देश्य विलंब नहीं है, जितनी जल्दी हो सके भगवान के चरण कमलों को उस मछली की तरह से पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हम यहाँ आज रुकेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।